बांग्लादेश में इस वक्त हमें कॉक्स बाजार में भाई जगह अच्छी है नो डाउट। पहली बार देखी है गीली मूंगफली? मैंने पहली बार देखा है। इतना बड़ा मेरे मूल के जितना। तगड़ी तगड़ी सब्जियां यार देखना। नहीं 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 रहने रहने, ये इन सब का काम होने वाला है। ये देखो पूरा लग पीस, ये लो पट पट पट। ये देखो कितनी बड़ी है, बहुत सारी मछलियों में कुछ इनके अंदर के पार्ट ना बहुत महंगे बिकते हैं। ये इंडिया से आता है? ये इंडिया से आता है। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बांग्लादेश। बांग्लादेश में इस वक्त हमें कॉक्स बाजार में, नाम क्या था भाई? ये बस स्टैंड के पास है, स्टैंड पार्क रिजॉर्ट करके ये प्रॉपर्टी है। अगर आप आना चाहो डेफिनेटली आ सकते हो, रीजनेबल प्राइस पे आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। पर एक प्रॉब्लम रह सकती है, यहाँ पे थोड़ा देसी टॉयलेट है, वो आप देख लेना, मैनेज कर देना। बाकी मैंने अपना सामान यहाँ रखवा दिया है और अभी हम चल रहे हैं थोड़ा घूमने, और मे भी प्लान है कि रात को यहाँ से निकल जाएँ। तो चलो भाई, हम वहाँ से लेंगे लोकल ऑटो और चलते हैं कॉक्स बाजार की तरफ। पहले कॉक्स बाजार कवर करेंगे, उसके बाद वापसी आके बस टिकट कर लेंगे। एसी में जाने का कोई मन नहीं है यार, तबीयत खराब है, कोल्ड हो रखा है, मैं रात को इनहेलर लेके आया था। कॉक्स बाजार चलो चलो चलो। ये बस स्टैंड है, सामने ही है भाई, जगह अच्छी है नो डाउट। इसको आपको गोवा जैसी वाइब्स देगा, पर हमारा जो गोवा है वो ज़्यादा डेवलप है। यहाँ प्रॉपर्टीज़ के रेट बड़े उल्टे सीधे हैं, बीचेस काफ़ी सारे हैं। अभी चल रहे हैं भैया, अपने को ऑटो उतार गया है और ये उतार गया पेट्रोल पंप पे। कॉक्स बाजार मार्केट यही है, मार्केट ड्राई फिश मार्केट सुक्की बाजार इन दिस वे। भाई साहब ने काफ़ी कुछ बता दिया, शुरू हुए तो चुप ही नहीं हो रहे थे, मुझे कैमरा बंद करना पड़ा। हाँ, पहली बात तो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स हैं। यहाँ की देखो मूंगफली अलग है, ये अजीब सी मूंगफली है, बादाम, इसको बादाम कहते हैं। कैसे है, कैसे? अरे तो खोलना तो आता है मुझे। वो देखो इसके अंदर इस गीली है भाई मूंगफली, इसके अंदर पहली बार देखी है गीली मूंगफली। 60 टका मैंने पहली बार देखी ऐसे गीली मूंगफली। उबाले हुए बादाम होते हैं ना, बादाम कह रहा हूँ, उबाले हुए मूंगफली होती है ना वो है, जैसे हमारे यहाँ संघाड़े नहीं खाते, टेस्टी है। कि वो मुझे बता रहे थे कि यहाँ पे एक कॉक्स था जो जनरल था, वो आया था यहाँ पे सबसे पहले, और उसने यहाँ देखा कि इस मार्केट को, तो उसने डेवलप किया कि यहाँ इस खूबसूरत जगह को कॉक्स बाजार मतलब मार्केट बनाना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे बताया जा रहा है कि ड्राई फिश मार्केट है, यहाँ एक्सपोर्ट मार्केट है, बीचेस खूब सारे हैं। तो ये कॉक्स बाजार की मार्केट, हम जा रहे हैं ड्राई फिश मार्केट, और ये ढाका का है झंडा, हरे रंग का, हरियाली, रेड कलर का कुर्बानी। बेसिकली यहाँ पे सारा सामान ही मिलता है शॉपिंग के लिए, बहुत टूरिस्ट है। मतलब यहाँ पे मैं देख रहा था रात को जब मैं गया था बीच की तरफ, वहाँ पे तो भैया 5-5, 7-7 हज़ार टके का रूम मिल रहा था। मैं कहा भैया सोलो ट्रैवलर हूँ, क्यों मार रहे हो मेरे को। और यहाँ पे गोल्ड का काम भी बहुत करते हैं लोग, और खाना भी खाना है, ब्रेकफास्ट नहीं करा मैंने। ज्वेलरी शॉप्स बहुत सारी हैं यहाँ पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कपड़े का काम भी बहुत होता है। पर कपड़ा जिस हिसाब से बताया जा रहा था कि बहुत सस्ता है यहाँ पे, उस तरह का सस्ता कपड़ा मुझे नज़र नहीं आया यहाँ पे। ये पूरा आपका कॉक्स बाजार की मार्केट है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको बिल्कुल नहीं समझ आता है। ब्रदर, ड्राई फिश मार्केट किधर है? सामने। तो भाई हम पहुँच गए हैं यहाँ की फिश मार्केट, क्या तो रही है फिश मार्केट है। यहाँ तो सब्जी सब्जी नज़र आ रही है, मंडी है पूरी। और ये मैंने देखा है खाने का, ये पकड़ा देते थे, ये कॉक्स बाजार की मंडी। ओ भाई ये क्या है? ओ भाई साहब, भाई साहब साइज देखा है? मैंने पहली बार देखा है। ये क्या है भाई? भाई पता नहीं जो भी है, इतना तगड़ा मैंने पहली बार देखा है। तो भाई बहुत अजीब सी सब्जी देखी थी मैंने, पहली बार देखी है। ये देखना यहाँ भी पड़े, ये छोटे वो वाले तो कुछ ज़्यादा तगड़े थे। ये मूली है, ये बैंगन है हरे रंग के, ये सब्जी है। रेट उट तो देखो मैंने आपको ऑलरेडी में दिखाया था, कुछ कुछ चीज़ें नहीं है। खीरा है ना, ये खीरा है? यहाँ भिंडी का साइज देखो यार, इतना बड़ा मेरे मूल के जितना, इतनी बड़ी भिंडी है। करेले का साइज देखो भाई, कहाँ गया हूँ मैं, करेले का साइज जो से ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ है। मूली भी तगड़ी तगड़ी है, तगड़ी तगड़ी सब्जियाँ यार, देखना पता नहीं क्या क्या है पर जो भी है। अरे देख गए फिश मार्केट, ये रही ड्राई फिश। सब्जियों के साथ साथ अब आपको ड्राई फिश भी मिलनी शुरू हो जाएगी। मतलब सब्जियाँ देख रहा हूँ मैं, तो सब्जियाँ देख देख के हैरान हो गया हूँ। पूरी मंडी है, मीट मार्केट भी है यहाँ की। गुड ब्रो, बस इतना ही बहुत है, थैंक यू। पूरा खूनो खून हाथ हेलो करने लगा था। हाँ ब्लड ब्लड ब्लड, मुर्गा मुर्गा, कट 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 कट, चिकन। ये देसी है या बलाती है? सही है। नहीं 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 रहने रहने, मेरे उसमें वो आ जाएगा कॉपीराइट। यहाँ देखो पूरा ही काम हो रहा है खटाखट। हम आ गए हैं मीट मार्केट में, और अब ड्राई फिश मार्केट तो गायब हो गई, यहाँ चिकन ही बिक रहा है। और यहाँ बकरा है, ये क्या बिक रहा है भाई, ये क्या है? सुपारी है। अच्छा सुपारी है भाई, वो है गिली सुपारी है, इन सब का काम होने वाला है। ये सारा उधर चिकन था, इधर बकरा मार्केट है, बकरा बड़ा है सब कुछ। कॉक्स बाजार ये देखो, ये देखो हट, ये लो भाई, ये मीट मार्केट है पूरा कॉक्स बाजार का। देख लो तगड़ा तगड़ा काम हो रहा है यहाँ, बड़ा
ये बड़ा लग पीस है, किसका है समझ सकते हो। जनरली मुर्गे का देखा ना छोटा सा, ये देखो पूरा लग पीस। ये काटी बोटी, अब ये नाप देंगे भाई साहब। अब ये मुर्गा मार्केट है इस साइड, उतार दिया, छील दिया उसको भी। सारा मीट मार्केट कॉक्स बाजार का देख लो भाई, कैसे खटापट काम हो रहा है। यहाँ पे नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं ना, हर तरह से हर चीज़ में, तो इसीलिए छोटे हैं। भाई जो लोग नहीं देखते उनके लिए सॉरी, यहाँ डक भी है, डक सब मिल गया है। फिश मार्केट नहीं मिली, आ गई फिश मार्केट है, फिर सब्जी मंडी आ गई। अब आई फिश मार्केट, ड्राई फिश मार्केट नहीं, नॉर्मल फिश मार्केट है। ये देखो कौन सी फिश है, ये फिश मिल रहा है दबा के, ये देखो। ये तो मैंने खाई हुई है गोवा में, वो भी खाई हुई है। कितना टका रहता है ये, आधा टका दिखा उठाओ। ये देखो भाई पूरा बर्फ़ से निकला हुआ है, ठंडा है एकदम। फिश भी मज़ा आता है, कुछ फ़ायदेमंद होती है, पर बहुत सारे लोग नहीं खाते होंगे डेफिनेटली, तो उनके लिए सॉरी। बाकी ये देखो अलग अलग तरह की फिशेज है। इसका क्या नाम है, हाथ धुलेगा, हाथ धुलेगा। ये देखो ड्राई फिश बिक्री है, सारा ड्राई फिश और दूसरा भी है। इस फिश का करते क्या है, ड्राई करके सब्जी अचार बनता है, सब्जी बना सकता है, सब्जी बन सकता है, बना भी कर सकता है। ये सस्ता पड़ता है उससे या महंगा पड़ता है? ये सस्ता पड़ता है, सस्ता पड़ता है। मैक्सिमम तो इंडिया से आता है, ये इंडिया से आता है, क्यों ये इंडिया से आता है, ये इंडिया से आता है, ये म्यांमार से आता है, ये भी इंडिया से आता है। अच्छा जी, क्या कॉस्ट करता है ये वाला फिश? 500 550 में मिल जाएगा, 500 टका। समुंदर तो यहाँ काफी बड़ा है, तो बड़ा इधर लोग अभी ज्यादा है ना, लोग ज्यादा है, इंडिया में बहुत स्टेट है जो मच्छी पसंद नहीं करता है। हाँ, फिश कम खाता है, ट्राई करके बांग्लादेश में बिजनेस करता है। $1.5 पर केजी देना पड़ता है, 100 रुपए के आसपास कस्टम देना पड़ता है। 2 नंबर से भी आता होगा, उधर मच्छी ज्यादा है लेकिन खाने का लोग ज्यादा है, लोग नहीं है। चलिए सर शुक्रिया, थैंक यू। ये कौन सा मछली है, ये खतरनाक सा खतरनाक मछली है, टूना छोटा बोलते हैं, सबसे एक्सपेंसिव है टूना फिश, 600 टका पर किलो मिलता है, 600 टका पर किलो। और ये ड्राई वाला महंगा हो जाता है, ये 3 किलो में 1 किलो होता है। अच्छा, सूखने का हल्की हो जाता है। ये देखो कितनी बड़ी है टूना फिश, है हाँ वीडियो होता है। ये देखो ये कितना पुराना स्टॉक करते हैं सर, ज्यादा दिन नहीं रहता है, बिक जाता है, ड्राई फिश लेके आया तकरीबन 15 दिन में खत्म हो जाता है। मैं फिर भी अगर नहीं बिके तो कितना टाइम तक रख सकते हैं आप? फ्रीजिंग करेगा तो, कोल्ड स्टोर में रखेगा तो 1 साल में कुछ नहीं होता है, 1 साल तक कुछ नहीं जाएगा। तो भाई ये देखो मछली का साइज देखो भाई साहब, इतना ही बड़ी मछली है, 3.5-4 फीट की होगी। तो बताया जा रहा है इंडिया से उल्टा ज्यादा आता है मछली, वहाँ पे खाने वाले कम है और मछली ज्यादा निकलती है। मेरे हाथ में स्मेल हो रखी है, इसको धोना पड़ेगा हाथ को। अजीब अजीब सी मछलियाँ देखने को मिल रही हैं, ये देखो बेचारी सुखा दिया है। चंदा किसकी चंदा है, छोटा चंदा है, स्मॉल चंदा। ये कौन सा वाला मछली है, ये है सैल्मन भाई साहब। ये देखो इसको भी सुखा रखा है, ये होता है अपना प्रॉन्स होता है। और देखो फिश में इतनी वैरायटी है, ये है टूना है, अलग अलग हर वैरायटी की फिश यहाँ मिल जाएगी। देखो ये है रेड मार्क, है रेड मार्क फिश, रेड मार्क। ये सबके रेट लिखे हुए, नंबर है, नंबर है, केजी है, ये केजी है, केजी है भाई साहब। देख लो ये सारा माल कब तक बिकता है, 11 PM और 9 AM। पर मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सामान स्टॉक कर रखा है, समझ आ रहा है, वो कब तक बिक जाता है? 1 month, 1 महीने में बिक जाता है। तो इसको फ्रोजन करते हो, फ्रिज में रखते हो? फ्रीजिंग है, छोटी छोटी। अच्छा अंदर स्टॉक बना रखा है, ओ भाई, ओ भाई, ये है फ्रीजिंग हम लोग। अच्छा स्टॉक करते हैं पूरा, हाँ हाँ, पूरे फ्रिज रखे हुए भाई अंदर इन्होंने पूरा। ये इंडिया वाला है, इंडिया वाला। तो भाई देख लो इस तरह से पूरा मार्केट में ना सामान स्टॉक करते हैं, ऐसा ऐसा बेचते रहते हैं, ऑलमोस्ट करे 1 महीने तक सब बिक जाता है। ये बहुत पुराना दुकान है, ये काफी पुराना दुकान है, कॉक्स बाजार की फेमस दुकान है, करे काफी पुराना ये दुकान है। चटनी मसाले प्रॉन्स का सब कुछ बनता है यार। शुक्रिया मेरे भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर भाई। बहुत बड़ी मार्केट है, सारी तरफ ड्राई फिश मार्केट है, हर तरफ आप घुमाओगे ना नजर,
सब फिश फिश है, सब एक जैसा है मेरे भाई, आपको यहीं से दिखा देंगे। इंडिया इंडिया इंडिया। तो इसका नाम क्या है इस मछली का? पैन फिश। देखो यार कितनी बढ़िया दिख रही हो। इसका नाम है लॉन्ग कामेट। लॉन्ग कामेट, इसका अंदर में जो भेरून है ना, इसका कीमत बहुत बड़ा है। जो चूहा जो अंडे होते हैं उसके, अंडे नहीं है, अंडे के बाद बैलून होते हैं, उसका कीमत बहुत ज्यादा है। अच्छा, लाख से भी ज्यादा है। इलाज करता है, इलाज होता है, इलाज। ठीक 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 ठीक। बहुत सारी मछलियों में कुछ इनके अंदर के पार्ट ना बहुत महंगे बिकते हैं, ये बता रहे हैं। एक एक दुकान तो आपको क्या ही कैसे घुमाऊं। ये क्या कर रहा है? चिकन का पीस उठा लाया है। हम उसके बैक साइड पे आ गए जहाँ पे कट पट रहा था सब कुछ। ये कुत्ता मेरी टांग ना पकड़ ले चिकन पीस सोच के। देखना पीस कैसे पड़े हुए हैं और इनको पेट भरे हुए हैं इनके। ये है ड्राई फिश मार्केट, मीट मार्केट, फिश मार्केट। ये देखो इन्होंने चूजे पूजे पाल रखे भाई। ये सही है, स्टॉक का रखा माल। ये इन सब का नंबर आने वाले हैं बेचारे। यहाँ की बकरियाँ छोटी हैं, आधी आधी से भी छोटी। हमारे यहाँ के बकरे तगड़े तगड़े होते हैं। चलो जी, जहाँ से घुसा था वहीं से एग्जिट कर रहे हैं भाई। ये कैफे सा बना हुआ है, बना तो अच्छा हुआ है। ये देखो टेबल के ऊपर इन्होंने वो बना रखी है लूडो पुडो। गर्मी लग रही, पता नहीं आज यहाँ पे ज़्यादा गर्मी है एज़ कम्पेयर ढाका से। चलो आगे हमारा बर्गर कोल्ड ड्रिंक और मंगाइए। सो गाइस फाइनली हमने खा लिया है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, वाईफाई यहाँ मिल गया था तो उस चक्कर में बैठ के फ़ोन पे बातें बातें करते टाइम लग गया। शाम को वापसी जाना, मुझे जाकर टिकट भी लेनी है वापसी की। बाकी ये रेस्टोरेंट अच्छा है। इसका नाम क्या था मेरे भाई? पास्ता क्लब। पास्ता क्लब करके है, ये कॉक्स बाजार के अंदर है। तो कभी आना हो डेफिनेटली जा सकते हो। काफ़ी अच्छा बना हुआ, ऊपर नीचे करके बच्चों का भी है ये जगह पे। ये बस कैफे बहुत अच्छा लगा बाकी तो। चलो मेरे भाई थैंक यू यार। तो इन्होंने हमें डिस्काउंट भी दे दिया। सुगंधा बीच है वहाँ चल रहे हैं और देखते हैं दिखाते हैं। वैसे बीच यहाँ पे बहुत सारे हैं। सवारी रिक्शे पे बैठ गई दोबारा से, अब जा रहे हैं सुगंधा बीच की तरफ। भाई पता नहीं लोग इतनी धूप में बीच पे करने के आते हैं। मुझे ना इस मामले में बीच पसंद नहीं है, धूप में। और इंडिया वालों को टैन भी ज़्यादा होता है। यहाँ उतार दिए, यहाँ भी सारे लाइन से होटल होटल है। ये तो आगे तक लेके जा रहा है, मुझे वहीं पटक दिया है, बीच पे गया ही नहीं लेके। तो भैया इस वीडियो को इतना ही रखते हैं यार। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। ये है कॉक्स बाजार आपका, और वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, कमेंट कर देना। भाई को कुछ भी बात करनी है इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। जिंदगी छोटी सी है, दुनिया बहुत बड़ी है। तो भैया हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और प्यार बरसाते रहो। मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में गाइस। बाय 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 बाय। I feel like I'm losing my mind.